अस्सलाम वालेकुम, आ चुके हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल नहीं, वो बंदा खुद एक टाइटल है। और नीरज चोपड़ा पे ये वीडियो है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नीरज चोपड़ा पे एक रिएक्शन वीडियो हो जानी चाहिए। वैसे मुझे पता था कि ओलंपिक्स चल रही हैं, और क्योंकि मुझे इसलिए पता था क्योंकि एक पाकिस्तानी बंदा है, नाम मुझे हामिद करके कुछ नाम है, तो मुझे उसका सही से नाम अभी याद नहीं है, लेकिन वो बंदा मतलब टॉप टेन, मतलब जो क्वालिफाई राउंड होता है वो किया था इसी में, नेज़ाबाजी में, जो थ्रो करते हैं, नेज़ा थ्रो करते हैं, अच्छा उसमें। तो इंडिया का बंदा अभी उसमें विन कर गया है, उसको नंबर फर्स्ट पे आया है। तो अभी उसी पे अभी ये दो वीडियोस हैं जो कि हमें सजेस्ट हुई हैं, दोनों की दोनों वीडियोस हम लोग इसमें देखेंगे। पहली वीडियो ये है कि वो उसने थ्रो कैसे किया, और दूसरा ये कि उसको क्या क्या अब मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। और बाकी लोगों की तरफ से। और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोनों वीडियोस के। मैं हूँ सैम और मैं हूँ लारा, और लारा के चैनल का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजिम सब्सक्राइब करना है प्लीज़ गाइस, क्योंकि लारा भी अब डेली रेगुलर वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। तो लेट्स गो, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बंदा, हाँ ये नीरज चोपड़ा, दिखने में प्यारा है ना। कहती ठीक है, नॉट माय टाइप की तो बात ही नहीं यहाँ पे। हाँ मुझे ऐसा वो इसकी वजह से मेरा टाइप। और भाई है ही वाला, अभी तो ये चेक करते हैं ना कि इसको मिल रहा क्या क्या है। हाँ वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नंबर फर्स्ट पे ये आया है, ऑडी का साइन है। ऑडी का साइन नहीं है, ये ओलंपिक्स का है। अच्छा। ओ भाई बहुत हैवी, अच्छा गोल्ड मेडल था। लेट्स गो, इसकी नेक्स्ट वीडियो चेक कर लेते हैं हम। चलो भाई, ये इस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दो वीडियोस थी, छोटी थी तो हमने कहा कि एक ही में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंद। अच्छा ये शेर मेरे ख्याल से हिंदी में लिखा हुआ है, और हमें लेकिन मतलब ये इलामा इकबाल का शेर, मतलब समझ नहीं आती लेकिन वो बोल रही है तो समझ आ रही है, शायद ये वही लिखा हुआ हो जो पढ़ रही है। पूछे बता तेरी रजा क्या है, इलामा इकबाल क्या है। हरियाणा के छोरे ने इस कहावत को सही साबित करते हुए वो मुकाम हासिल कर दिया है जिसका वो हकदार है। 130 करोड़ भारतीय ही नहीं, सरकारें, खेल संस्थाएं, बिजनेसमैन, हर कोई नीरज चोपड़ा पर प्यार के साथ साथ पैसों का अंबार लुटा रहा है। पैसे हाँ, फैंस पे होता है। सुनिए अब तक गोल्ड ट्रांसफर कर दिए गए। मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए नगद देगी। 6 करोड़ रुपए नगद। टोक्यो के स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इंडिया का नाम रोशन किया है। पंजाब सरकार भी चोपड़ा से प्रभावित है और 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा से अपना स्पेशल कनेक्शन बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नीरज के सम्मान में कहा है, एक सैनिक के तौर पर नीरज ने देश को गौरवान्वित किया है, ये ऐतिहासिक है। जबकि क्रिकेट संस्था BCCI ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जिस टीम से महेंद्र सिंह धोनी IPL में खेलते हैं, उसकी कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स भी पीछे नहीं है। चेन्नई ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। करोड़ों से नीचे नहीं आ रहे। नीरज चोपड़ा की शानदार उपलब्धि को सम्मान देने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। चेन्नई सुपर किंग्स नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए 8758 नंबर की विशेष जर्सी भी तैयार करेगी। तो गोल्डन बॉय की गोल्डन उपलब्धि पर मणिपुर सरकार ने भी दिल खोलते हुए कहा, और वो नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा IOK यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भी नीरज चोपड़ा को 75 लाख नगद देने का ऐलान किया है। आनंद महिंद्रा तो बड़े दिल के माने जाते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कुछ खास करता है तो महिंद्रा उसे गिफ्ट में गाड़ी जरूर देते हैं। महिंद्रा नीरज चोपड़ा को उन्होंने XUV 700 देने का ऐलान किया है। आनंद महिंद्रा से टूटे यूजर ने XUV 700 मांग की, और जिस पर आनंद महिंद्रा ने रिप्लाई किया, हाँ सचमुच
हमारे गोल्डन एथलीट को एक एक्सयूवी 700 गिफ्ट में देना मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य और सम्मान है। तो महिंद्रा ने महिंद्रा कंपनी के डायरेक्टर को भी टैग करते हुए लिखा, चोपड़ा के लिए एक एक्सयूवी 700 तैयार रखें। ओ, ट्वीट कर दिया उन्होंने। हरियाणा सरकार नगद इनाम के साथ साथ क्लास वन ऑफिसर की सरकारी नौकरी देने और 50% रियायत पर जमीन देने। वाओ, गवर्नमेंट जॉब। इंडिगो ने नीरज चोपड़ा को खास तोहफा दिया है। कंपनी की तरफ से एक साल के लिए फ्री हवाई टिकट का ऐलान कर दिया है। 2021 से अगले साल यानी कि 2022 की 7 अगस्त तक जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई नीरज चोपड़ा की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। अभी तो ग्लैमर और बैड बॉय से भी पैसे की बरसात शुरू भी नहीं हुई है। नीरज स्मार्ट है, बिंदास बोलते हैं और यकीनन अगले कुछ दिनों में वो नए नए विज्ञापनों में नजर आने शुरू भी हो जाएंगे। नहीं, बॉडी शॉडी अच्छी है, उस तरीके से लुक भी अट्रैक्टिव है। यार नाम रोशन किया है कंट्री का, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बहुत बड़ी बात है, और तो बहुत खुशी की बात है। और गोल्ड मेडल वो भी इतने सारे कंट्रीज के बीच में से, और पाकिस्तानी भी आया था एक बंदा। हाँ, लेकिन वो टॉप 10 में मतलब जस्ट क्वालीफाई राउंड किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वी प्राउड ऑफ देम, लेकिन इसने तो कमाल ही कर दिया यार। मतलब अभी मैं बताऊं कि मैं उस दिन देख रहा ना इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे ना सारे फोटोज जगह जगह पे यही नजर आ रहे ना, तो मुझे मैं कहूँ यार ये बंदा अचानक से एक नई शक्ल कैसे सामने आ रही है, और ओलंपिक्स का लिखा हुआ, ओलंपिक्स हम लोग देखते भी नहीं है, मतलब नहीं ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल है, और ज्यादातर ये विलेजेस में और इन जगहों पे खेला जाता है, गेम्स वगैरह की जाती हैं। तो ये एक है भी किसी गांव वगैरह से मेरे ख्याल से। हाँ, तो लेकिन फिर भी जहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़े। हाँ, तो बहुत मतलब मुझे तो एक बिल्कुल मजे की चीज लगी। हाँ, तो और इतना ज्यादा थ्रो करना, और जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, बहुत पावरफुल और इतना कॉन्फिडेंटल, हाँ, स्टाइल या एक्सेंट उसका जो मतलब चीज भागने का, और यू नो आई एम सो इम्प्रेस। सुनो, जो भाग के उसने जो फाइनल राउंड में फेंका, उसके बाद वो आगे नहीं उसने देखा कि वो कहाँ जाके गिर रहा है, तो उसने पहले से यू नो पहले जब उसने फेंका तो उसको लगा कि ओके फाइन यार ठीक है आगे तक गया है, लेकिन जब दूसरी बार से फेंका तो उसने देखा नहीं, लेकिन उसने यू नो जब मुड़ा वो पावर से फील हो गया, उसने जब उसने फेंका होगा ना उसको उसकी पावर से फील हो गया होगा कि भाई मैं विनर हूँ, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में भी। खैर, क्लैपिंग होनी चाहिए। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर, गाड़ी भी मिली उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लाजिम बताने, और वो एक वर्ड बोला था वो प्लीज कमेंट में हमें बताना कि उसका मतलब क्या है, वो हमने उसको मेंशन किया था बोल के। हाँ, तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।